Assalamualaikum students. Hope you have completed question number 1 and 2 of exercise 3.1. Now I am explaining here question number 3 and 4. Before explaining the question 3 and 4 of exercise 3.1, some rules for addition and subtraction are written here. हम इन रूल्स को पहले समझेंगे ताकि हमारे जहन में क्लियर हो जाए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अलजेब्रा में क्या रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल, लाइक टर्म. लाइक टर्म क्या है? व्हेन वी से लाइक टर्म मींस अ टर्म हैविंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर. फॉर एग्जांपल, ए स्क्वायर, दे बोथ आर लाइक टर्म्स. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल और पावर सेम है. अगर वेरिएबल और पावर में से कोई एक भी डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल ए बी एंड ए बी स्क्वायर, हेयर वेरिएबल्स आर सेम बट पावर्स आर नॉट सेम. पावर यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म्स. टर्म्स हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म, कि इसके पास कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल और पावर होती है. इन तीन कंपोनेंट से मिलके कोई भी टर्म बनती है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लाइक टर्म हो. इफ़ देयर इज अनलाइक टर्म्स, दे कांट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विथ ईच अदर. वो एक दूसरे में ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और ना ही ऐड हो सकती हैं. ज़रूरी है कि लाइक टर्म हो. सबसे पहली तो आपके पास रूल आ गया कि आपको लाइक टर्म देखनी है. अगर लाइक टर्म है तो फिर आप आगे मज़ीद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का सोचेंगे और करेंगे. जब ये लाइक टर्म्स कंफर्म हो जाएं कि दे आर लाइक टर्म्स, देन द सेकेंड स्टेप इज मल्टीप्लाई साइन. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन, दैट वेन सेम साइन मल्टीप्लाई बाई ईच अदर द आंसर इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस. वेन डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई बाई ईच अदर द आंसर इज माइनस माइनस प्लस. वेन डिफरेंट साइन आर मल्टीप्लाई बाई ईच अदर द आंसर इज माइनस. फॉर एग्जाम्पल, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस इक्वल टू माइनस. दीज आंसर आर कम फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन. इनको हम साइन को मल्टीप्लाई करके बताते हैं कि अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस, और अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो माइनस आता है. तो ये बात हमें पता होनी चाहिए एडिशन करने से पहले कि हमारे पास जो दो टर्म्स, तीन टर्म्स या चार टर्म्स जितनी भी गिवन है, उनके साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या रिजल्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हमारे पास है ए बी स्क्वायर और हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर 2ab स्क्वायर. पहले तो हमने वेरीफाई कर लिया दे बोथ आर लाइक टर्म्स, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं लाइक टर्म को. फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इनके साइन क्या है. इसके पास भी व्हेन देयर इज नो साइन देयर इज पॉजिटिव साइन. जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन इसके पास प्लस का साइन है. प्लस प्लस प्लस, अभी कन्फर्म हो गया कि ये दोनों आपस में प्लस होंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल ये यूँ होता, अब इसके पास प्लस है और इसके पास नेगेटिव साइन है, माइनस है, देन प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये क्या होते हैं, आपस में माइनस हो जाते. माइनस होकर इसका आंसर आएगा, ठीक है. तो पहले हमने लाइक टर्म देखी, सेकेंडली हमने साइन मल्टीप्लाई करके देखा. अब थर्ड पॉइंट पर आ जाइए कि ये भी साइन भी हमें पता चल गया कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये भी हमें कंफर्म हो गया लाइक टर्म है, ये भी कंफर्म हो गया. अब हम आएंगे फर्स्ट स्टेप, हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस यानी कि सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे. उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको ऐड करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द कोफिशिएंट. अब डिपेंड करता है कि साइंस को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन देख लें, इस एग्जाम्पल को हम ले लें, ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इसके पास व्हेन देयर इज नो कोफिशिएंट देयर इज कोफिशिएंट वन, वहाँ पे वन कोफिशिएंट होता है.
वन प्लस टू थ्री आंसर आ गया। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशेंट्स को ऐड कर लेंगे। अगर कोफिशेंट्स माइनस हो रहे होंगे तो कोफिशेंट्स को माइनस कर लेंगे। कोफिशेंट्स को ऐड कर लिया, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर आप आ जाइए। फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट वेरिएबल एंड पावर वन टाइम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी लाइक टर्म होती है, जाहिर है हम लाइक टर्म्स को ही ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस उन्हें आखिर में एक बार लिख देते हैं। उनकी पावर को ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर्स को वेरिएबल्स को कुछ नहीं करना आपको। दे बोथ आर लाइक टर्म्स और बोथ या जितने भी टर्म्स हैं अगर वो लाइक हैं तो बस उनके वेरिएबल और पावर को आप वन टाइम लिखते हैं। ये आपका आंसर अभी नहीं है, अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है, वो है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अगर साइन हमारे पास डिफरेंट है तो हमें ग्रेटर नंबर का साइन देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में साइन हमारे पास सेम ही है, यानी दोनों के पास प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव साइन। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लें, अगर हमारे पास डिफरेंट साइन हो, फॉर एग्जांपल टेन बी स्क्वायर प्लस एट बी स्क्वायर, इफ देयर इज सच लैक ऑफ कंडीशन, इस तरह की कोई कंडीशन है कि आपके पास यहाँ पर प्लस और माइनस है और आपको इसका एडिशन करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे लाइक टर्म, ठीक है लाइक टर्म्स हैं दोनों, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आप आ जाएंगे कि इसके साइंस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड नहीं होंगे। 10 में से आप 8 को माइनस करेंगे, आपके पास आ गया 2। थर्ड पॉइंट पर आप आएंगे कि आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है कर दिया। उसके बाद आप फोर्थ पॉइंट पर आएंगे कि आप वेरिएबल और पावर को वन टाइम लिख देंगे। आखिर में पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब 10 और 8 में से ग्रेटर कौन सा है बेटा, 10 इज ग्रेटर, 10 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, सो वी पुट हेयर नेगेटिव साइन, द आंसर इज माइनस माइनस टू बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको पक्के होने चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए अपने दिमाग में। एलजेब्रा में जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसके स्टेप्स बहुत कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले उस पर हमें कम से कम जो है वो कुछ सेकंड्स तक या मिनट तक हमें उस पर थिंक करना पड़ता है। सारा थिंकिंग का काम है, आपको ये लर्न होने चाहिए। इन पॉइंट्स को आप चाहें तो अपनी कॉपी के बैक पे लिख लें, डायरी के बैक पे लिख लें, तो फेयर मत कीजिएगा फेयर कॉपी में, यानी आप अपनी याददाश्त के लिए, अपनी मेमोरी के लिए आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं रिमाइंडर के लिए। हमेशा इनको याद भी कर लें ताकि आपको फौरन पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है और क्या रूल्स हैं। ये रूल्स एक बार आप लर्न कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। नाउ कम टू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ फ्रॉम द न्यू पेज पुट द हेडिंग सिंप्लीफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई? सिंपल मीन्स होता है सादा, यानी आपको इस क्वेश्चन को जो आपको दिया हुआ है इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट जितना कर सकते हैं, जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको आपको सॉल्व करना है, उसको हम सिंप्लीफाई करना कहते हैं। चाहे उसमें एडिशन हो रही हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, जो भी काम हो रहा हो, जो भी ऑपरेशन हो रहा हो, वो आपको करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1 आप ही देखें। आपके पास x, x प्लस x, यानी 3x हैं, आपको उनको ऐड करना है। अभी मैंने आपको रूल्स बताए कि एडिशन में आपके पास ज़रूरी है वेरिएबल पावर सेम होना, तो यहाँ पे वेरिएबल और पावर सेम है, सबके पास एक्स एक्स है, सबके पास 1-1 पावर है, मींस ये ऐड हो सकते हैं। फिर ऐड करने के लिए क्या है कि हम इनके साइंस आपस में ऐड करेंगे, प्लस 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 साइन भी ऐड हो गए कि हाँ भाई ये सब आपस में प्लस होंगे। अब इनके कोफिशेंट्स को ऐड कर लें, इसके पास 1 कोफिशेंट है, देयर इज़ वन, 1 + 1 = 2, देन +1 = 3, इट बिकम्स 3। एंड राइट द वेरिएबल एंड पावर वन टाइम, ये हमारे पास फोर्थ रूल था, हमने कर दिया, वेरिएबल को एक दफ़ा लिख दिया। पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, इसमें कोई भी ग्रेटर नहीं है, सब इक्वल है और साइन इसमें प्लस ही आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा,
इसमें भी आप देखें, यहाँ पे आपको एडिशन करना है, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर्स हैं, ऐड हो सकता है, दे बोथ आर लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं। अब आप पहले साइन को मल्टीप्लाई करके देखें, प्लस प्लस इट्स मीन ये प्लस होंगे, ऐड होंगे, वन प्लस वन मीन्स टू, कोफिशेंट टू आ गया। वेरिएबल पावर को एक दफ़ा लिख दें आप, एक दफ़ा लिख दिया साइन ग्रेटर नंबर का, दोनों इक्वल ही हैं और दोनों के पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा, दिस इज आवर आंसर। देन द थर्ड वन, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई, इंटू वाई मतलब मल्टीप्लाई बाय वाई, मल्टीप्लाई बाय वाई या प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये तीनों चीज़ें आप कह सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई को पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए लाइक टर्म्स का होना जरूरी नहीं है। इन एक्सरसाइज 3.3 एंड 4 में हम ये समझेंगे कि किस तरह जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 या 5 में। अभी एडिशन ही की एक्सरसाइजेज हैं, इसीलिए मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के रूल्स नहीं बताए, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बस इतना समझ लें कि एक्स वाई को मिलाकर हम लिख देंगे, इधर भी एक्स वाई को मिला के लिख देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह किया था। अभी दोनों लाइक टर्म्स हो गई, बीच में एडिशन है, प्लस प्लस ये प्लस होंगी, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, आप इनके कोफिशेंट्स को ऐड कर दें, वेरिएबल पावर वन टाइम लिख दें, साइन ग्रेटर नंबर का वही प्लस, दोनों के पास प्लस है तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 2xy। यहाँ पे आ जाइए, आपके पास ये डॉट्स हैं, दीज डॉट्स आर ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर इज मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम, इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का ताल्लुक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है इनके दरमियान, तीनों के दरमियान ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, लाइक अनलाइक किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, अभी हमारे पास ये तीनों हैं तो हम इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, यानी तीनों आपस में मिलकर एक टर्म बन गए। अभी अलग अलग टर्म थे, मल्टीप्लाई होकर वन टर्म बन गए, ये मल्टीप्लाई होकर वन टर्म बन गए। अब आप देखिए इसके पास प्लस है माइनस है, नहीं सबसे पहले वाला रूल आप देखें, लाइक टर्म वाला, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नहीं, क्योंकि इनके पास वन वन पावर तो सबके पास है, मगर वेरिएबल देखें ये एक्स वाई है, ये ए बी, तो आप ये बताइए क्या ये प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं? नहीं, ना ये प्लस हो सकते हैं ना ये माइनस हो सकते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो बस दिस इज द आंसर, लीव द क्वेश्चन हेयर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए आप, आपके पास ये फ्रैक्शन में, आपको पता है कि अगर हमारे पास ये न्यूमिनेटर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, जो नीचे की टर्म होती है डिनोमिनेटर होती है। अब डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, अगर सेम है तो उनको वन टाइम लिख लेते हैं और न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली। न्यूमिनेटर्स आप ऐड करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2x, और नीचे y आपके पास डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, दिस इज द आंसर। हेयर इन क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बेटा क्या करना है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पे x की वैल्यू दे दी गई है, कीमत दे दी गई है कि x की वैल्यू 2 है, y की कीमत दे दी गई है कि y की वैल्यू 3 है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नीचे दी हुई है, कह रहे हैं कि ये कीमत, ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए और फिर मालूम कीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। यानी आपको वेरिएबल्स को और पावर को ऐड नहीं करना है, बल्कि आपको इनकी वैल्यू रखकर और फिर मालूम करना है कि आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, एक्स प्लस वाई, अब आप x की जगह क्या रख देंगे, x है हमारे पास 2, ठीक है, और 2 इन प्लेस ऑफ x एंड 3 इन प्लेस ऑफ y, y की जगह आप 3 लिख देंगे। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, 2 + 3 = 5, दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया आपका। इस तरह आपको पुट करके वैल्यूज को मालूम करना है। सेकंड क्वेश्चन, 3x + 4y, 3x, 3 और x में आपस में क्या रिलेशन है, ये पहले आप फाइंड आउट कर लें। 3x क्या ऐड हो रहे हैं, नहीं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं। व्हेन देयर इज नो साइन बिटवीन द टू नंबर्स और वेरिएबल एंड नंबर, देन देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का आपस में ताल्लुक, या इन दोनों का आपस में ताल्लुक मल्टीप्लाई का है। यानी अगर आप 3 के पास अब x की वैल्यू लिखेंगे 2,
तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखने का मकसद यही होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के नेक्स्ट जो भी नंबर होता है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है। देन 4y, y में भी y की वैल्यू आप पुट करें 3, इस तरह ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 6 प्लस 4 3 12, 6 प्लस 12 आप कर लें तो आपके पास आ जाएगा 18 आंसर। दिस इज द आंसर 18। अगेन समझ लें, 3x 4y, आपने x की वैल्यू पुट की 2, y की वैल्यू पुट की 3, देन इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 4 3 12, देन आंसर इज 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम, दिस इज द सेम क्वेश्चन एज द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 3। अगेन इनका आपस में ताल्लुक मल्टीप्लाई है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 10 माइनस 2 3 6, आपस में ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ ऐड हो रहे थे मगर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 10 माइनस 6 मीन्स आंसर इज 4। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई। जब मैंने आपको बताया कोई साइन नहीं है बीच में तो देयर इज मल्टीप्लीकेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x 2 एंड द वैल्यू ऑफ y 3, 2 3 6 आंसर। Then the next question, here the terms are given to you, put the values, 3 x की वैल्यू है 2, division है यहाँ पे, fraction में given है तो आप वैसे ही put करेंगे, fraction ही में रहने देंगे, 2 3 6, 3 2 6, 2 3 6। जब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है या सेम टेबल में आ रहे होते हैं तो हम कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन फ्रैक्शन का एक रूल है कि कैंसिलेशन की जाती है, 6 और 6 एक ही टेबल में आते हैं तो इट बिकम 1 1 अपॉन 1 मीन्स 1, द आंसर इज 1। हेयर बेटा आपके पास दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इन्हें कॉपी डाउन करें अपने कॉपी में और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको दोबारा देखें समझें और ये काम मुकम्मल अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू सो मच।